गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग्स। आज बनाने वाली मैं है मिर्ची का अचार और यहाँ पर मैंने ले ली 2 किलो मिर्ची और इनको मैंने तो इसमें डाल देती मैं हल्दी पाउडर और इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। अभी क्या है ना, ये ना जब डलने के बाद ये थोड़ी अभी बहुत ज़्यादा दिख रही है पर ये थोड़ी कम हो जाती हैं, थोड़ी दब जाती हैं, तो अभी इसको मैं नमक मिला देती हूँ। बड़े वाले बर्तन में रख लेती हूँ इसको मैं। सो इनको आप लोग किस तरीके से डालती हूँ मिर्ची का अचार तो मुझे बताना। सब बहुत अलग अलग तरीके से डालते हैं अचार, पर जो सिंपल तरीके से डाला जाता है ना वो सबसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ, बड़े से एक बर्तन में रख लेती हूँ मैं इसको। तो मैं इस भगोनी में इसको रख देती हूँ और इसको आपको एक दिन के लिए ढक के छोड़ देना है। इससे क्यों छोड़ देना है, क्योंकि इसमें से पानी अभी कितना ज़्यादा है ये, और इसको मैं रख देती हूँ एक दिन के लिए, कल तक के लिए। सो यहाँ मैंने सुबह हो गई थी, ये देखो कितना दब गया। मैं जा रही हूँ कहाँ पे मिर्ची उठाने के लिए, क्योंकि मैंने कल आपको दिखाया था कि उसका पानी निकल गया था, तो मैंने इसको डाल दिया सूखने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे मेरी मिर्ची ये सूख चुकी है, धूप में डाल दी थी मैंने। सो अब मैं इसका बनाने वाली हूँ अचार। सो ये अभी चलती हूँ मैं नीचे, यहाँ पे आई थी मैं अपने बेटी के कपड़े डालने के लिए, और ये देख सकते हो धूप में सूखी है ये। पहले मैंने इसमें डाला था, इसमें क्या है पानी पानी सा हो रहा था, सही धूप नहीं लग रही थी, बट अब इसमें कुछ खाना न्यूज़पेपर पे ये बहुत अच्छे से सूख गई है और ये ना बिल्कुल भी अब पानी नहीं छोड़ेंगे और ये अचार ख़राब नहीं होगा। तो आप जब भी मिर्ची को सुखाओ हमेशा इस तरीके से धूप में सुखा लेना। इनको 1-2 घंटे हो गए हैं और ये अच्छे से सूख चुकी है, इनमें से पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा है। सो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम करके रख दिया था और ये सौंफ पीस ली, राई को थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा सा गरम किया है, ज़्यादा नहीं, और सौंफ को मैं पीस लेती हूँ मैं पहले ही, और तेल गरम कर लिया था ठंडा होने के बाद। इसमें मैंने डाल दी थी कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च और ये सौंफ थी जो मैंने इसको पीस लिया है। आप इस तरीके से अचार बनाओ तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। सिर्फ लाल कश्मीरी लाल मिर्च इसलिए डाला है इसमें मैंने, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। ये मेथी को भी मैंने थोड़ा सा मैंने हल्का सा सेका था, ज़्यादा नहीं सेकना है इसको। इसमें मैं डाल दूँगी तेल और सिंपल से तरीके से आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में आप किस तरीके से अचार डालते हैं। सो ये थे खपी काफ़ी बड़ा नींबू था तो इसको मैंने निचोड़ देती हूँ। इसको मैं क्यों लगा रही हूँ नीचे इसके, इस तरीके से क्या है नीचे इसके और जो बीज निकलती है वो नहीं जाएंगे इसमें, हथेली पे बीज आ जाएंगे मेरे। सो इसमें जो आप नींबू इसमें निचोड़ के आपको जितना अच्छा आप क्वांटिटी रख सकते हो, ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा भी ले सकते हो, पर मैंने भी काफ़ी बड़े नींबू थे, बड़े नींबू थे। इसे नींबू से क्या ऐसे निचोड़ के डालने से मिर्चों में थोड़ा खट्टापन आ जाता है और सो इस वजह से, और ये मेरा अचार काफ़ी टाइम तक चलने वाला है। सो ये मैं इसे ले लेती हूँ और यहाँ पे सारा बीज निकाल दिया और इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया था मसाले में हल्दी पाउडर। ऑप्शन है आप डालना हो तो डाल लो, नहीं डालना चाहो तो नहीं डाल सकते हो। आप किस तरीके से मिर्ची का अचार डाल रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। सो यहाँ पे सारे बीज मैं रख देती हूँ साइड करके और एक नींबू और है और इसमें आप देख सकते हैं कितना अच्छे से रस निकल रहा है, बहुत ज़्यादा रस निकल रहा है नींबुओं में। सो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसको आप ना बनाने के बाद 2-3 दिन बाद इसको खा सकते हो। अभी ये खाने लायक नहीं होता, 2-3 दिन बाद इसमें अच्छे से मिर्ची गल सी जाती है तो फिर अच्छा लगेगा। अगर आपको आप मिर्ची अगर पानी छोड़ भी देती है तो उसको छान के फेंक दो, वैसे नहीं छोड़ेगी। अगर किसी कारणवश हाँ डिब्बे जिस डिब्बे में आप रख रहे हो उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो ये नींबू मैं अच्छे से निचोड़ दिया, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ मसाले को, और मसाले को कुछ नहीं एक बड़े से बर्तन में लेते हैं और उसमें इसमें अभी मैं नमक ऐड कर देती हूँ। नमक पहले भी ऐड कर दिया था हल्दी वाले पानी में, जो पानी निकला था। और यहाँ पर ना नींबू मेरे हाथों से ऐसा होता है कि नींबू के हाथे तो डिब्बा ही नहीं खुल रहा है, तो नमक थोड़ा मिर्चियों में ज़्यादा जाता है क्योंकि उसमें डलने के बाद नमक लगता नहीं है। मैंने ये नमक पहले भी डाल दिया था। सो यहाँ पर इस वाले बाउल में मुझे भरना नहीं है, ये सारा कुछ ऐड करके थोड़ा सा नमक मैं मिर्चियों में डाल देती हूँ क्योंकि मिर्चियों में नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है। सो बस ये सारा मसाला मिक्स करके और मैं डाल दूँगी इसमें और सबको अच्छे से हाथों से मिला लेती हूँ। मैं मेरे साथ ऐसा होता है मैं हल्के हल्के डिब्बे पहुँचती हूँ क्योंकि बाद में ना फिर गंदे लगते हैं, वो नहीं पहुँच पाती। सो इसको मैं अच्छे से हाथों से मिला लेती हूँ।
सो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। सो इसको मैं कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। बहुत से लोग मठे की मिर्ची भी डालते हैं, जैसे अपना अपना तरीका होता है सबका डालने का, पर वो भी अच्छी लगती है, बट मैं इस तरीके से डालती हूँ। सो आप इस तरीके को ट्राई करके देखिए और कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग कैसे डालते। तो आप मेरा मसाला देख सकते हैं कितना अच्छा मसाला हो गया। अगर आपके पास नींबू कम है तो आप सिरका भी डाल सकते हो। इसमें मैंने सिरका नहीं डाला था क्योंकि मेरे पास नींबू अच्छा खासा रस निकला है। और ये सारा मसाला मैं इसमें डाल देती हूँ, बहुत ही ईजीली तरीके से अचार मेरा गिर गया। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ हाथों से, जिसमें जितना भी थोड़ा बहुत अचार रह गया, मसाला रह गया, तो इसको मैं मिर्ची से ऐसे करके रख देती हूँ। इसको मैं दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और मिक्स करने के बाद इसको मैं भर दूंगी डिब्बे में, और डिब्बे को भी मैंने अच्छे से धूप में सुखा लिया था। तो सर्दियों में ना मिर्चियाँ जो आती है ना, उसका जो टेस्ट अचार बनता है ना, वो अचार मुझे सबसे अच्छा लगता है। और इसमें ऑयल आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप देख सकते हो कि इसमें मैंने ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा मसाले में डाला था। और ये मेरी है 2 किलो मिर्ची, और अचार ये काफ़ी समय तक चलने वाला है। तो मैं इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर देती हूँ। और इसमें ना कलर सबसे अच्छा क्यों आएगा, क्योंकि आपको कैमरे में ना दिख रहा हो, बट इसमें एकदम अच्छा कलर क्यों आया है, क्योंकि इसमें मैंने ना कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। सिर्फ कलर के लिए डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि इसमें अच्छा रेड रेड कलर अच्छा हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाला हुआ है। इसको डिब्बे को मैं दबा दबा के रख देती हूँ। इसको 1-2 दिन थोड़ा सा बिल्कुल पैक करके नहीं रखना है, धूप में रख दो थोड़ा। कोई चीज़ आप डालते हो तो थोड़ा केयर करना पड़ती है। तो इसको 1-2 दिन अभी मैं इसको किचन में रख दूँगी, दोपहर में थोड़ा धूप में रख देती हूँ। 1-2 दिन तक बस ऐसा करना पड़ता, फिर अचार बन जाता है अच्छे से। अचार में स्मेल आती है तो वो भी नहीं आएगी। धूप में रख दो आप 1-2 दिन तक, और इसको अच्छे से मैं रख देती हूँ। थोड़ा डिब्बा भी पैक कर देती हूँ, पर इसको ना 1-2 दिन थोड़ा ऊपर नीचे कर देना है और थोड़ा ढक्कन को खोल के रख देना है। अभी तो मैं ऐसे पैक कर देती हूँ, मेरा अचार बन गया। सो बाय दोस्तों।